सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टेइंग यंगर, जवान रहने के लिए क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले तो आपको बिना किसी डाउट के अगर जवान रहना है तो आपको अपनी नींद और एक्सरसाइज में फोकस करना पड़ेगा। आप में से बहुत लोग ये बेसिक बात जानते होंगे, लेकिन मैं आज एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा यंगर दिखने में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा ऐसे फूड्स और फ्रूट्स के बारे में जो आपको यंगर दिखने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए ट्रांसफॉर्म होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंशुन यादव फिटनेस। आई एम अ को-फाउंडर ऑफ मील फॉर यू एंड अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। सो हमारा फर्स्ट फूड है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड के बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स है। फ्लैक्स सीड के बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख ले। मैं वीडियो को आई बटन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्लैक्स सीड आपके स्किन को सन रेडिएशन और स्किन डैमेज से बचाता है। एक स्टडी में अभी रिसेंटली पाया गया है कि अगर आप 12 वीक तक लगातार फ्लैक्स सीड को खाते हैं तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है और उसमें डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फ्लैक्स सीड आपको एजिंग, सन डैमेज ये सारी चीज़ों से बचाता है और आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। फ्लैक्स सीड आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है, आपके बीपी को रिड्यूस कर देता है। इतना ही नहीं, ये आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी बचा सकता है। सो दोस्तों, आप लोग फ्लैक्स सीड को ईजिली अपने सैलेड में या स्मूदी आप यूज़ करते हैं तो स्मूदी में डाल के खा सकते हैं। सो दोस्तों, हमारा सेकेंड फूड है ग्रीन टी। ग्रीन टी ऐसा हाई बेनिफिट टू योर बॉडी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एजिंग को स्लो कर देता है। तो ग्रीन टी जो होती है वो आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, जो कि आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करती है। फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है जिससे इसकी प्रॉपर्टी वो चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन को डैमेज से बचाता है। सो ग्रीन टी में हेल्प यू फाइट डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन एंड इवन हार्ट डिजीज। सो अब आपको पता चली कि ग्रीन टी कितना इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन को हेल्दी और ब्यूटीफुल रखने के लिए। सो आज से आदत डालिए ग्रीन टी की। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सुपर फूड की, जो कि आपको यंग दिखने में बहुत हेल्प करेगा। इसका नाम है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आर वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फैट अवेलेबल ऑन द अर्थ। ऑलिव ऑयल आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है और ये आपको बहुत से कॉमन छोटी छोटी डिसीजेस से भी बचाता है। ऑलिव ऑयल लोअर योर बीपी लेवल्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड मच मोर। ऑलिव ऑयल में 70% से भी ज़्यादा मोनो अनसेचुरेटेड फैट होता है, जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर देता है, जो आपकी स्किन को हेल्दी और ब्यूटीफुल दिखने में बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं होता है या आप खुद ही अकेले अपने घर में हेल्थ कॉन्शियस है, आप चाहते हैं एक बार ट्राई करें, आप कभी भी हमारे मील फॉर यू स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं या आप स्मृति नगर वाले हमारे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। वी यूज़ ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल फॉर कुकिंग, वी डोंट यूज़ एनी अदर ऑयल। वी हैव अ एम टू डिलीवर हेल्दी मील्स विद ऑल दी बेनिफिट, ऑल दी हेल्थ बेनिफिट। तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें। सो दोस्तों, हमारा फोर्थ सुपर फूड है स्पाइसेस। दिस इज समथिंग नो वन सॉ कमिंग इन द लिस्ट। स्पाइसेस डू अलॉट मोर देन जस्ट एडिंग फ्लेवर टू अवर फूड। स्पाइसेस हमारे फूड में सिर्फ स्वाद ऐड करने के बजाय भी और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो स्पाइसेस में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देते हैं। स्पाइसेस में कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है जो आपको यंग और हेल्दी दिखने में भी हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिनेमन स्पाइसेस को ले लीजिए। सिनेमन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फूड है और ये बहुत हेल्दी आपके स्किन के लिए और आपकी बॉडी के लिए। सिनेमन जो स्पाइस है वो आपकी बॉडी में कोलेजन एक प्रोडक्ट होता है, कोलेजन उसको इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण आपका स्किन और यंगर दिखने लगता है। एंड सम अदर स्पाइसेस लाइक रेड चिली एंड जिंजर, दे आर वेरी बेनिफिशियल टू योर स्किन एंड हेल्थ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ और आखिरी सुपर फूड की, जिसका नाम है डार्क चॉकलेट। अब डार्क चॉकलेट सुन के आप ये मत सोचिएगा कि जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं नॉर्मली वो वैसा चॉकलेट होगा। डार्क चॉकलेट और हम जो चॉकलेट खाते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हम जो चॉकलेट खाते हैं उसमें आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है, शुगर इंक्लूड रहता है, रिफाइंड चीज़ें इंक्लूड रहती है। डार्क चॉकलेट कंसिस्ट्स कोकोआ, नेचुरल कोकोआ, कोकोआ सॉलिड्स आते हैं और डार्क चॉकलेट में 70% से भी ज़्यादा कंसिस्ट होते हैं। तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, आपके स्किन को डैमेज से बचाता है। अभी नई नई रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप
नेचुरल जो डार्क चॉकलेट आता है अगर आप उसको इंटेक करते हैं तो आपको सन डैमेज से आपकी स्किन को बचाता है, आपके हार्ट रेट को कम करता है, आपके बीपी को कंट्रोल करता है और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देता है। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा कोकोआ पाउडर कोकोआ सॉलिड्स होते हैं वो आपके डार्क चॉकलेट में इंक्लूड होगा उतनी ज़्यादा ही वो चॉकलेट आपके लिए बेनिफिट्स होगी। बट इसको भी आप एक लिमिट में खाइएगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने से वो चीज़ ख़राब हो जाती है। नमक भी आप सब्जी में इतना नहीं खा सकते, एक चुटकी डालेंगे तभी वो ठीक रहेगा, उससे ज़्यादा आप यूज़ कर लेंगे तो वो पूरा खाना बेकार हो जाएगा। वैसे ही इसको भी आप एक लिमिट में यूज़ करिए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगी, आप कुछ इससे नया कुछ सीख पाएंगे। अगर हाँ तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर हो सके तो आपको किसी फ्रेंड को अगर शेयर करना लगता है तो आप किसी को शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।